सर, सर ये तो वही गाड़ी है जिसके बारे में हमें ज्वेलरी शॉप के मैनेजर ने बताया। पूर्वी, गाड़ी तेज चलाओ, ये लोग किसी भी हाल में हमारे हाथ से बच के जाने नहीं चाहिए। जिगर, ये देख तो अपना कोई पीछा कर रहा है बहुत देर से यार। सीआईडी, ये कहां से आ गए? गाड़ी भगा। जिस तरह से इन लोगों ने गाड़ी तेज की है, ऐसा लग रहा है इन लोगों को पता चल गया कि इनका पीछा कर रहे हैं। हो सकता है। जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी बना। अब ये कहां से आ गए? पूरी संभाल के, आगे लोग हैं। करके भागने का यही नतीजा होता है। एम्बुलेंस को फोन करो, चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं। और ये तो मास्क हो गए। सर, ज्वेलरी शॉप लूटने वाले लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। पढ़े लिखे और अच्छे घर से थे। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने ज्वेलरी शॉप लूटा? किस लिए? क्या जरूरत पड़ी उन्हें? और हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने पूरी दुकान नहीं लूटी, सिर्फ 10 से 12 लाख रुपए का सामान लिया और निकल लिए। शायद उन्हें उतने की जरूरत थी। सर, ये मयंक और जिगर के माता पिता। माफ कीजिए, ऐसे समय पे आप लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ा। हम आपके बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सर प्लीज, मेरे मयंक को मुझे वापस दे दीजिए। हमारा एक ही बच्चा है और इस उम्र में हमसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। सर प्लीज, सर प्लीज, मेरे मयंक को वापस दे दीजिए। देखिए मैडम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। सर, हमारा बच्चा एक इंजीनियर स्टूडेंट था, उसे पढ़ने और स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और नहीं करना था, और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लड़का था, फिर भी उसके साथ ये सब। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही है, मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके बच्चों की मौत तब हुई जब वो ज्वेलरी शॉप को लूट के भाग रहे थे। अरे अरे, ये कौन हो तुम लोग? ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। जल्दी मार, जल्दी मार, ऑनर है ना? जल्दी मार, नहीं तो मार दूंगा। मैनेजर है तू? हाँ, चल, जल्दी खोल। अरे,
ये बहुत गलत कर रहा है तुम लोग। निकाल रहा हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। सारे पैसे निकाल, सारे पैसे निकाल। दे पकड़ा, हाथ में पकड़ा, जल्दी कर। खोपड़ी में होल कर दूंगा। ज्यादा हिलेगा ना तो ठोक दूंगा। जल्दी जल्दी, चल 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 चल, जल्दी जल्दी ठोक दूंगा। ज्यादा चला कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। चल निकल निकल, जल्दी निकल, कोई हिलेगा तो मार दूंगा। चुप रहिए आप लोग। आप लोग कुछ भी इल्जाम लगा देंगे और हम मान लेंगे। हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है और आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही समझते हैं, लेकिन वो बाहर क्या करते हैं वो खुद जानते हैं। सच को मानना पड़ेगा, लोगों ने देखा है, गवाह है, सबूत है। सर बहुत छोटी रकम है, इससे ज्यादा तो बच्चे जब फॉरन घूमने जाते थे वहाँ उड़ा कर आ जाते हैं। अरे हमारे बच्चों को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमसे मांग सकते थे। मांग सकते थे, लेकिन जिस गलती को छुपाने के लिए उन लोगों ने ये चोरी की, शायद उसका कारण आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो। देखिए, मेरा बेटा जिगर बहुत अच्छा लड़का था, जरूर उसको किसी ने उकसाया होगा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए मैडम, सच्चाई तो यही है कि अपराध हुआ है। मयंक और जिगर ने ज्वेलरी शॉप को लूटा है। अब हमें ये देखना है कि उन्हें इस पैसे की जरूरत क्यों थी, किसको देना था। हा? अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में कुछ अलग सा बर्ताव किया, कुछ भी अजीब सा। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मयंक वॉशरूम में बहुत ज्यादा जाता था, जबकि वो बीमार भी नहीं था, और वॉशरूम में 2-3 घंटे रहता था वो। तो आपने पूछा नहीं उससे कि वो बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। जब भी मैं उससे पूछती वो मेरी बातें टाल देता था। अफ्रेडी क्या? ओह ठीक है, चलो। सर फ्रेडी का फोन था। उस कार का पता चल गया है जो जिगर और मैं चला रहे थे, वो किसी शंका नाम के आदमी की है। सुन, शाम को 6 बजे अगर मेरे पैसे गैरेज नहीं पहुंचे ना, तो 7 बजे मेरे आदमी वहां पे पहुंचेंगे। फिर जो वहां पे तोड़फोड़ होगी ना, उसका जिम्मेदार तू होगा, तू समझा? हम लोग सीआईडी से, ये शंका कहाँ है? शंका भाग लिया तू, अब तेरी रेस यही खत्म होती है। मारना नहीं, मैं सब सच बताता हूँ, सब बताता हूँ। आंखें खोल के देख, ये मयंक और जिगर है, इन दोनों को दी थी ना कार तुमने दुकान लूटने के लिए? हाँ साहब, यही दोनों गाड़ी लेके गए थे, पर माँ कसम साहब, मुझे नहीं पता था कि ये दुकान लूटने के लिए मुझसे गाड़ी लेके जा रहे। मुझे तो बोला भाड़े पे गाड़ी चाहिए, गोवा जाना है, दे दिया। और सब अपना तो धंधा ही है, भाड़े पे गाड़ी देना, चुराई हुई। लेकिन सब पुरानी गाड़ी खरीदना और बेचना, ये चोरी की गाड़ियों का धंधा करता है, और तुम लोग इसका साथ देते हो। सर हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस अपनी मजदूरी के पैसे लेते हैं और कुछ नहीं। सर हाँ सर, ये सच कह रहा है सर। सर हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है पंच, इससे इसकी सारी डिटेल ले लो, बाकी का पता तो हम लगा ही लेंगे। ये मयंक का कमरा है। एक सेकेंड, आप जरा बाहर रुकिए, हम देख लेते हैं। आप
पैम्पलेट्स? ये पैम्पलेट्स? ये पैम्पलेट्स मेरे बेटे मयंक का है। वो कॉलेज में एनुअल फंक्शन के ऑर्गेनाइजर कमिटी का मेंबर था। ये इन चीजों को पहचानती हैं आप? ये आपको कहां से मिली? ये तो ज्वेलरी मेरी है। फ्लश टैंक के अंदर से। ये फ्लश टैंक में कैसे पहुंची? पहुंची नहीं, छिपाई गई थी। छिपाई गई थी? पर किसने? मयंक के बाथरूम में मयंक के अलावा और कौन छिपा सकता है? भगवान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा मयंक ऐसा कर सकता है। मयंक के कोई शौक, कोई आदत? नहीं सर, कुछ भी नहीं। उसके दोस्त? ज्यादा नहीं, लिमिटेड, बस 4 या 5। अच्छा, मयंक के सारे दोस्त कॉलेज के ही थे या बाहर के भी थे? नहीं, उसके सारे दोस्त कॉलेज के ही थे, बाहर का कोई नहीं था। क्या नाम बताया था आपने कॉलेज का? क्यों डॉक्टर सर, आपने हमें अर्जेंटली बुलाया? हाँ दया, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ सर? बस ये केस तो एकदम पलट गया, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि इन दोनों की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, बल्कि गोली लगने से हुई है। क्या? मगर सर इनकी मौत तो हमारी आंखों के सामने हुआ है, एक्सीडेंट से। हाँ, लेकिन इनकी मौत एक्सीडेंट से पहले ही हो चुकी थी। और देखो दया, ये है इन दोनों के सीने पर इस गोली के घाव। गोली यहां लगी। अबे सर, ये गोली चली कैसे? और चलाया किसने? सर, हमारी गाड़ी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे थी। उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, स्टीयरिंग पर से कंट्रोल छूटा और गाड़ी इस दीवार से आके टकरा। गोली सामने से चलाई गई थी। सर, गोली तो हम पीछे से चला रहे थे और वो भी टायर पे। तो फिर गोली सामने से आई कैसे? गोली अगर सामने से चली थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, गोली चलाने वाला यहीं कहीं सामने की तरफ छुपा हुआ होगा। मगर श्रेया, सामने तो दूर दूर तक कोई था ही नहीं। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली सामने से सीने पे लगने का प्रूफ है तो गोली सामने से ही चली है। बिल्कुल दया, गोली सामने से ही चली है और गोली बिल्कुल सीधी लगी है, बहुत करीब से, क्योंकि घाव बताते हैं बहुत करीब से गोली लगी है। और ये विंड स्क्रीन बताता है कि विंड स्क्रीन को छेदती हुई गोली बाहर नहीं गई है,
क्योंकि विंड स्क्रीन पे अगर गोली लगी होती तो छेद होता, ये तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ से टकरा करके गोली लगी। इसका मतलब गोली बाहर से नहीं अंदर से चली है। बिल्कुल लगता है गाड़ी के डैशबोर्ड में से या एसी डक्ट में से या विंड चैनल में से। और अगर ऐसा है तो बुलेट या गन के मार्क जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, चेक करते हैं। वंश गाड़ी नहीं चलो। यस सर। ओ अश्विन, क्या यार, बोला था ना कि सारे पोस्टर्स और बैनर लग जाने चाहिए, अभी तक नहीं हुआ? हो रहा है यार, एक ही तो लैडर है, कर लेंगे, टेंशन मत ले। तुम एक काम करो, वो स्टेज पर जाकर देखो वहाँ का पूरा अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो तुम माया से कहना, वो तुम्हें अरेंज कर देगी। ओके ठीक है, मैं बोल देती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस सर। ये मयंक और जिगर किधर मिलेंगे? वो तो आपको वरुण ही बता सकता है, वो रहा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाय, हम प्रीमियर क्लोथिंग की तरफ से हैं, आपके इस फेस्टिवल के स्पॉन्सरशिप की तरफ से। हाय। हाय। कहिए, हाउ कैन वी हेल्प यू? देखिए, हमें आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर से मिलना था, आई मीन मयंक और जिगर से, इस स्पॉन्सरशिप की डील के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। कोई खास रीजन ना हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। दरअसल बात यह है कि हम उन्हीं दोनों से डील कर रहे थे, तो हमने सोचा कि स्पॉन्सरशिप की सारी बातें उन्हीं से हो जाए। मगर मयंक और जिगर तो कॉलेज में दिखे ही नहीं, आई मीन शायद आए नहीं। कब तक आएंगे वो, कुछ खबर? नो न्यूज। मैंने भी उन्हें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनके फोन कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रहे। ऐसा कैसे? हम भी ट्राई कर रहे थे लेकिन उनके फोन से कोई रिप्लाई नहीं आया, हर बार नो रिप्लाई। कमाल की बात यह है कि मयंक और जिगर खुद स्पॉन्सरशिप के इतने पीछे पड़े थे, तब हो नहीं रही थी। देखिए थोड़ा अर्जेंट है, अगर आज ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो ये डील कैंसिल हो जाएगी, आई मीन ये हम स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे आपको, और इन दैट केस ये फेस्टिवल आप लोगों को कैंसिल करना पड़ जाएगा। नो नो, आप ऐसा मत कहिए प्लीज, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, कॉलेज की प्रेस्टिज का सवाल है। ऑफ कोर्स। आप एक काम कीजिए, आप विक्की से जाके मिल लीजिए, तो वो आपको जिगर और मयंक के बारे में पूरा सही बताएंगे, वो उनके काफी क्लोज है। आप विक्की का एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, हम उसे मिल लेते हैं। मयंक और जिगर को जो गोलियां लगी है ना, वो बहुत छोटी है, इसीलिए उनके घाव गहरे तो बहुत हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, बारीक है। फिर तो गन भी बहुत छोटी होगी सर। छोटी होगी। नहीं सर, यहाँ तो कुछ नहीं है। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक काम करो, इंजन चेक करो, उसमें भी फिट किया जा सकता कुछ। सुनोगे सर, ये तार यहाँ अलग से लटक रहा है, किसी फिटिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तार जा कहाँ रहा है दया? सर इसका एक सिरा तो यहाँ एक्सलेटर से कनेक्टेड है, और ये दूसरा सिरा ये तो साइड व्यू मिरर की तरफ जा रहे हैं। सर साइड मिरर की तरफ जा रहे हैं दया, तो फिर साइड मिरर चेक करना पड़ेंगे दोनों। ये देखो, गिरेगी सर, गन यहाँ है, इसका मतलब है एक्सीलेटर दबा, स्प्रिंग के जरिए ये ट्रिगर खींचा और गोली चल गई।
और यहां पर है दूसरी गंदया। विक्की। हाँ विक्की, आप लोग सीआईडी। सीआईडी? क्यों घबराए हो, क्यों लग रहे हो? अरे नेचुरल है, किसी शरीफ आदमी के घर में सीआईडी आएगी तो बंदा घबराएगा ही। अगर आदमी शरीफ हो तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। बताइए क्या काम है? हमें आपके दोस्तों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कौन से दोस्त? मयंक और जिगर। मयंक और जिगर, क्या हुआ उन्हें? उनकी मौत हो गई। What? Oh no. किसी ने गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर दी। वो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे ना, आप उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। जितना पता है उतना ही बता दीजिए। उनका कोई ऐसा सीक्रेट जो उन्होंने शेयर किया हो, या कोई ऐसी बात जिससे उनको टेंशन हो, कोई ऐसा आदमी जिससे उन्हें खतरा हो। ऐसी बातें अक्सर दोस्तों के बीच में छिपी नहीं रहती है ना सर। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हमने आज तक कभी कोई ऐसी बात शेयर नहीं करी। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं सर, ऐसी कोई बात हमारी कभी नहीं हुई। ठीक है तो आप जा सकते हैं। हाँ पर कुछ भी अगर याद आया ना, कुछ भी हमें बताना ना भूलिएगा, समझे? जी सर। लेकिन सर, जब ये गाड़ी स्टार्ट हुआ तो उसने एक्सलेटर तो दबाया होगा, तो जब पहली बार एक्सलेटर दबाया तब ये ट्रिगर दब जाना चाहिए था, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये तार इस एक्सलेटर से कुछ इस तरीके से बांधा गया है कि जब एक्सलेटर दबे ये तार इस मोटर से एक राउंड लिपट जाए, और जब जब एक्सलेटर दबता था ये तार इस मोटर से निपटता चला जाता था, और एक मौका ऐसा आया ये तार कस गया, ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। और ये काम किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी का है। कौन हो सकता है वो? पैसा कहाँ है? अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, ये याद मत रखना कि हम कभी मिले थे। ठीक है, लेकिन क्या बात है, इतना घबराए हो क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मयंक और जिगर का कुछ पता नहीं लग रहा, और आज सीआईडी मेरे घर तक पहुंच गई। सीआईडी? हाँ सीआईडी। कभी मुझसे मिलने की अब कोशिश मत करना। कौन हो तुम लोग? सीआईडी।
अब बताओ मयंक और जिगर के साथ तुम दोनों का क्या रिश्ता है और तुम दोनों ने उनका खून क्यों किया? खून हो गया मयंक और जिगर का? कैसे? ये तो अब तुम दोनों बताओगे, बोलो। सर मुझे कुछ नहीं पता। सर सर इसके बॉस अक्का से पूछो, उसको सब मालूम होगा। सर कहाँ जा रहे हो? अंदर, कोई प्रॉब्लम है? किससे मिलना है? अक्का से मिलना है। क्यों? उनसे कहो कि सीआईडी आई है, उनसे मिलने जाओ। कौन है? अक्का, मैं रघु। बोला था ना डिस्टर्ब नहीं करना, क्या काम है? अक्का वो सीआईडी वाले आए। बैठाओ उनको, बोल मैं आती हूँ। चौबीस घंटे हैं तेरे पास, वरना तेरी फैमिली तुझसे मिलने यहां नहीं शमशान घाट जाएगी। सिर्फ 24 घंटे, समझा? ठीक है। बोलो साहब क्या काम है? मयंक और जिगर को जानती हूं? जानती हूं। क्यों मारा उन दोनों को? साहब खोटी बात मुझे चलती नहीं। मैंने नहीं मारा उन दोनों को, झूठ हमें भी नहीं चलता। छोकरी तीखी जवान है तेरी, इस आप समझाओ ना इसे। अक्का मीठा सुनना और बोलना दोनों पसंद करती है। तो फिर सर जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दो, जिगर और मैं इनको क्यों मारा? बोला ना मैंने नहीं मारा। मारा मारी मुझे पसंद नहीं। दुख है मुझे, वो दोनों जवान लड़के मर गए। कैसे जानती थी उन दोनों को? जानती तो मैं आपको भी हूं साहब, जो यहां इस क्लब में एक बार आ जाता है मैं उसे नहीं भूलती। क्यों आते थे वो यहां पर? अब डांडिया खेलने तो आते नहीं थे, यहां लोग आते हैं पत्ते खेलने, वो भी पत्ते खेलने ही आते थे। दे? हार गए, जो उनकी जेब में था वो भी और जो मुझसे उधार लिया था वो भी। 10 लाख? 100% ठीक कहा तूने छोकरी, पूरे 10 लाख हारे वो साहब। और फिर तुमने उन्हें मार दिया है ना? बोला ना एक बार? नहीं मारा मैंने। बिजनेस करते हैं हम साहेब, मारा मारी का धंधा नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे, उनकी जान नहीं।
सारा पैसा टूट गया मेरा। तो फिर किसने मारा उन दोनों को? एक लड़का आता था साहब उन दोनों का पीछा करते हुए। कौन था वो? अक्का की जासूसी करता है? नहीं ताई, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है? मेरे को उल्लू समझता है? मयंक और जिगर के पीछे छुपकर आया किस लिए? मैं किसी के पीछे नहीं आया सच्ची, मैं तो आपका अड्डा देखने आया था। देख, मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, इस बार के लिए तुझे छोड़ देती हूं, आगे से कभी इधर दिखना मत, समझा? लेके जा रहे बच्चे को। हाँ बोल रहे, उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है? गैर कानूनी जुए का अड्डा चलाती हो तुम यहाँ पे है? अगर उस धंधे पे बड़ा सा ताला लग जाए तो फिर तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। कैसी बातें करते हैं आप साहब, अब क्या इतना सा मजाक नहीं कर सकते आपके साथ? आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ ब्यूरो चलना होगा। हाँ तो चलेंगे ना साहब। रघु संभालना पीछे से सब, मैं जरा ब्यूरो की हवा खा के आती हूं। सर ये तो हितेश है, मैंने इसे शंका के गैराज में देखा था। आपको पूरा यकीन है कि यही था वो? अक्का एक बार जो किसी का चेहरा देख लेती है ना साहब, तो फिर भूलती नहीं है। पक्का यही था। तो फिर देर किस बात की, उठा मर से। इनसे पूछते। अरे भाई साहब। हाँ जी। ये मैकेनिक हितेश कहाँ रहता है? वो उस तरफ उस गली में। अरे भाई साहब ये हितेश का घर कौन सा है? हाँ सामने वो रहा। सर अब क्या हो गया, अब क्या किया मैंने? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हमें हितेश से मिलना है, बुलाओ उसे। सर हितेश तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, पर कल से घर भी नहीं आया। ऐसी कोई जगह जहाँ वो अक्सर जाता है? हाँ सर, हो सकता है अपनी बहन से मिलने गया हूँ। बहन का एड्रेस? बहन का एड्रेस हाँ, A45 शीतल नगर। हितेश दरवाजा खोलो, हितेश, हितेश दरवाजा खोलो, हमें पता है कि तुम अंदर हो, बहुत हो गया। सर कोई जवाब नहीं दे रहा, कहीं दूसरे रास्ते से ना निकल जाए। निकल के जाएगा कहाँ? पंकज सर, सर, सामग्री।
वहां हितेश ने अपनी कलाई काट ली और यहाँ पे इस लड़की ने अपनी कलाई काट ली। कहीं ये लड़की हितेश की बहन किरण तो नहीं है? हो सकता है सर। एम्बुलेंस आ गई और हितेश के रूम में ये सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट? यस सॉरी, हम दोनों ने मिलकर मयंक और जिगर को मारा है। उनकी गाड़ी में गन भी हम लोगों ने रखी थी। किरण और हितेश? सर शायद ये लोग शर्मिंदा थे और दुनिया का सामना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन दोनों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इन दोनों ने मिलकर पहले जिगर और मयंक को मारा, उसके बाद अपने आप को मारने की कोशिश की। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सर किरण के घर से कुछ फोटोज मिली है। ये लड़की कौन है हितेश और किरण के साथ? पता नहीं सर, पर कोई करीबी लगती है। तभी तो सर 2 साल पुरानी ये पेपर कटिंग इसने संभाल के रखी थी। आर्टिकल है? इस लड़की ने भी आत्महत्या की थी? हाँ सर। और एक बात, ये लड़की जिया उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में मयंक और जिगर पढ़ते थे। अच्छा सर, कहीं इस लड़की की आत्महत्या में मयंक और जिगर का तो हाथ नहीं? हो सकता है पंकज, हो सकता है। और शायद किसी का बदला लेने के लिए हितेश और किरण ने मयंक और जिगर को मार डाला। कहाँ है वो दोनों जिन्होंने हमारा बेटे को हमसे दूर कर दिया? कहाँ है? देखिए प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अंदर उन दोनों का ऑपरेशन चल रहा है। एसीपी साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, उन दोनों को फांसी जरूर दिलवाइएगा। देखिए आपको पूरा न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा। एक ही बेटा था मेरा, उसे भी इन लोगों ने मुझसे छीन लिया। हौसला रखो, भगवान पर भरोसा है। दोनों कैसे हैं, लड़का लड़की? जी लड़का अभी भी क्रिटिकल है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ा है। और लड़की? वो ठीक है। बात कर सकेगी? अभी नहीं, वो बेहोश है, कल तक उसे होश आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पूरी कड़ी नजर रखो इन दोनों पर, देखो कहीं भाग न जाइए लोग। बस कल सुबह तक का इंतजार है, कल सुबह तक का। अपने बेटे को कैसे मार सकती है? वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा सौतेला बेटा था। सौतेला ही सही, पर बेटा ही तो था ना वो, फिर क्यों मारा उसने?
पैसों के लिए। मुझे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। और किरण और हितेश को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो दोनों मेरा राज जान चुके थे। अच्छा, तो वो तुम्हारा राज जान चुके थे, इसलिए तुमने उन दोनों को अपने प्लान में शामिल कर, और फिर उन दोनों को याद दिलाई अपने बहन के मौत का बदला लेने की मयंक से, है ना, ताकि मयंक के खून में तुम्हारे हाथ लाल ना हो और वो दोनों फंस जाए। हाँ, किरण ने मयंक और जिगर के साथ दोस्ती कर ली। उसे पता चला कि दोनों ज्वेलरी शॉप लूटने वाले हैं और किरण ने ही उनकी मदद की। कार का भी अरेंजमेंट किरण ने ही किया, क्योंकि किरण का भाई हितेश एक मैकेनिक था और उसने ही वो मशीन तैयार की जिससे गाड़ी में गोली चली और दोनों की मौत हो गई। और फिर जिगर, जिगर को क्यों मरवाया? उसका क्या संबंध था तुम्हारे जायदाद के लेने देने से? अगर सिर्फ मयंक को मरवाती तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता, इसलिए मुझे जिगर को भी मरवाना पड़ा। वाह रे वाह, कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम जो जायदाद के लिए अपने बेटे का खून कर सकती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी।